छोटे से शहर से आई, फिर माया नगरी में छाई, लीक से हटकर कई किरदार निभाए। फैंस के लिए वो किरदार वाकई यादगार बन गए। कभी विलेन बने तो कभी हीरो, और विवादों से भी इनका स्पेशल कनेक्शन रहा है। और ऐसा ही रहा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सफर। बॉलीवुड के सबसे मंजे हुए एक्टर्स में से एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज पूरे 48 साल के हो चुके हैं। नवाज भले ही आज सबसे बड़ी फिल्मों का हिस्सा हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज थे। नवाज ने अपने स्ट्रगल के दिनों में वॉचमैन तक की नौकरी की है और बहुत छोटे छोटे काम भी किए। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपनी बेहतरीन एक्टिंग के चलते इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। संघर्ष भले ही लंबा चला हो, लेकिन एक आम सी सूरत वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज 96 करोड़ रुपए की संपत्ति और लग्जरी गाड़ियों के मालिक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरपुर के पास बसे गांव बुढ़ाना में हुआ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी 8 भाई बहन थे, जिनमें से नवाज सबसे बड़े थे, तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी भी काफी बड़ी थी। घर वाले खेती बाड़ी से गुजारा किया करते थे, लेकिन नवाज को पढ़ाई में काफी दिलचस्पी थी। नवाज पढ़ाई के लिए हरिद्वार के गोकुल कांगड़े विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के बाद महीनों तक नौकरी की तलाश की तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वडोदरा की एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट की नौकरी मिल गई। इस कंपनी में केमिकल टेस्टिंग का खतरनाक काम होता था, लेकिन फिर भी नवाज ने यहाँ पर करीबन 1 साल तक काम किया। नवाज ने इसके अलावा वॉचमैन तक की नौकरी की और कई छोटे मोटे काम किए। नवाज नौकरी के दिनों में अपने दोस्त के साथ नाटक देखने जाया करते थे। स्टेज पर लोगों को देखते हुए नवाज ने खुद एक्टिंग करने की ठान ली। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने का फैसला किया, लेकिन यहाँ एडमिशन मिलना आसान नहीं था। एडमिशन लेने के लिए इन्हें कई प्ले का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन नवाज के पास पहले का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। नवाज ने थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और एक साथ कई प्लेस किए, और आखिरकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एनएसडी में एडमिशन मिल गया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए 2002 से 2005 का समय बेहद खराब रहा। फिल्मों में काम तो मिला था, लेकिन उससे गुजारा होना काफी मुश्किल था। नवाज खर्च बचाने के लिए 4 लोगों के साथ मुंबई में फ्लैट शेयर करके रहते थे और एक्टिंग वर्कशॉप से कमाई किया करते थे। 2004 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर का किराया तक नहीं दे सके। आखिरकार उन्हें एनएसडी के सीनियर के साथ रहने को कहा गया, और सीनियर ने सामने उनके ये शर्त रख दी कि तुमको खाना बनाना पड़ेगा, और नवाज इसके लिए रेडी हो गए। अभिनय से लाखों दिलों पर राज करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी अब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। करियर में एक लंबा संघर्ष करने के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने धीरे धीरे फिल्मी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली। हमारी ओर से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।